परमादरणीय यहाँ के महंत जो है स्वामी भगवान प्रकाश जी महाराज, लाला सर के महंत स्वामी सत्यदानंद जी आचार्य, संत वृंद, सम्मानित मंच, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आज आपने रात्रि के प्रवचन में भी बड़ी रुचि लेकर के सुना, मंदिर के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सारी बातें जो है हुई है। अभी भी आपने जो है मंदिर के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में, धर्मशाला के संबंध में सभी जो है घोषणाएं बहुत बढ़िया सुनी है। जामोदी महाराज उनको सबको जो सद्बुद्धि दे, शीघ्र आती शीघ्र इन काम को कुछ करने के लिए वो जो है तत्पर हो गए, काम को करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। सजनों, बहुत बड़ी मुद्दे की बात, समत 1637 में इस मंदिर की जो है नींव लगनी शुरू हुई थी, लगातार जो है 47 तक जो है काम चला था इसका। जामोदी महाराज के बाद में बिलोदी का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जो ये कार्यक्रम हुआ है, और ये तात्कालिक राज्यसभा जो राज्य सत्ता थी, उस सत्ता के सहयोग से और जो है स्वयं यहाँ जो है शुरुआत करने वाले संत लोग थे, उन संतों के जो है प्रयास से ये कार्यक्रम होते होते जो है बहुत बड़ा तरीके से संपन्न हुआ, जिसके अभी भी जो है प्राचीन चिन्ह जो है यहाँ विराजमान है। जैसे यह सूरज पोल है, चार दीवारी थोड़ी बहुत है, और ये मंदिर की जो है स्थिति है, ये सब आपको अवगत है, देख रहे हैं। सजनों, मेजा बांध का जो है कार्यक्रम जब हुआ, पहले यहाँ मेले लगते थे, उसके कार्यक्रम के बाद पूजा करने वाले लोग पूजा करना बंद कर गए, और बंद करने के बाद जो है मेला और पूजा और सब बंद हो गई। स्वामी चंद्र प्रकाश जी महाराज इस एरिए में जहाँ भी बिश्नोई बसते हैं, वो लगभग जो है साल दो साल में दौरा करते थे। उन्होंने पुरदरीबा समेलिया को, स्वयं को जगाने की चेष्टा की, और जगने के कारण इनके अंदर जो माताओं बहनों के अंदर जो अभी लोग कह रहे थे कि भी बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा है, वो सब जो है स्वामी चंद्र प्रकाश जी महाराज का आशीर्वाद और उनकी देन है। उन्हीं के शिष्य स्वामी भगवान प्रकाश जी महाराज आज से 20 वर्ष पहले यहाँ आए, यहाँ आकर के समेलिया जो है उनके दिल में ये बात जगी कि समाज की बड़ी भारी प्राचीन धरोहर, इस धरोहर का जो उद्धार होना चाहिए, ये उन्होंने संकल्प लिया और यहाँ स्थानीय लोगों से संपर्क किया। स्थानीय लोगों ने ये, अभी आप जो अभी भी चिंता कर रहे हो कि अभी ये तीन भाग में बटे हुए हैं, अभी भी इनका जो समझौता एक साथ होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वही बात, दूसरी बात अर्थाभाव का मामला स्वामी भगवान प्रकाश जी महाराज ने बहुत बड़ा प्रयास किया। लगभग जो है भारत के सभी एरियों में घूम घूम करके चंदा किया और बंद पड़ी पूजा को प्रारंभ किया, और प्रारंभ करके आज जो है इस स्थिति पर ले आए हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद समाज को, स्वामी भगवान प्रकाश जी महाराज को जो है देना चाहिए, ताकि उन्होंने शुरुआत करके जो ये कार्यक्रम किया, एक संत जिन्होंने इतना प्रयास करके आगे बढ़े हैं। अभी जो है वृद्धावस्था होने के कारण पिछले रात से मैं भी जो इनसे मिला, बातचीत की, उन्होंने कहा अभी शरीर का सामर्थ्य नहीं है, मेरे शरीर तो सबका ही बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, यहाँ जो है आपके बड़े बड़े शिष्य हैं, उन शिष्यों को जो यहाँ नियुक्त करो। समाज कितना भी संगठित हो जाए, लेकिन समाज का नेतृत्व जब संतों का नहीं मिलेगा, समाज उस कार्य को जो पूर्णता की ओर ले जाने में बहुत कठिन रहेगा। इसलिए मैंने इनसे निवेदन किया कि आप यहाँ जो है करो। इन्होंने कहा जो मेला है, ये मेला गुरुपुर
पूर्णमासी के दिन कहीं भी और अन्य तरह मेले हमारे समाज में नहीं है, इसलिए वार्षिक उत्सव के संबंध में और सम्मेलन के संबंध में इस मेले की रात्रि को भी मैंने घोषणा की। और अभी जो अखिल भारतीय विश्वमयी महासभा के प्रधान जी वगैरह सब ने मिल करके घोषणा की कि प्रतिवर्ष गुरु पूर्णमासी के दिन जो है यहाँ वार्षिक उत्सव समझो, ये मेला समझो, उत्सव समझो, ये जो हमेशा होगा ये आज हम सब ने निश्चित कर दिया है। तो इसी तरीके से बंद पड़े इस कार्यक्रम को भगवान प्रकाश जी ने चालू किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जगा हुआ समाज है तो समाज इस जगह में पुराने जमाने का जो है महाराजाओं के जमाने का पट्टा वो हमारे पास लिखित में है, उस पट्टे के आधार पर ये मंदिर और मंदिर के परिसर के आसपास लगभग 200 बीघे जमीन मंदिर के नाम आज से बहुत पुरानी है। तो वो जो जमीन, उस जमीन पर जो है सभी लोगों का जहाँ जहाँ जमीनें हैं उस पर हक है, हमारा भी हक है, हमने भी जो है उस जमीन पर जो हक जमा रखा है। तो जैसे भी जो योजनाएं हैं पर्यावरण के संबंध में, वृक्ष लगाना और भी कोई जो है पर्यावरण के संबंध में कई तरीके की प्रदर्शनियाँ और सब कुछ करना, वो जो है सारा कार्य क्रम जो धीरे धीरे होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि इस कार्यक्रम को, इसको जो है अधिक से अधिक रूप से सफल बनाएं, क्योंकि ये गांव से दूर, एरिया से दूर, जमीन की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, जो कमियां हैं सड़क की और आदि की, और जो कमियां हैं यहाँ पर्यटन के स्थल पर जो है आकर के लोग जो विश्राम करें वो, तो सारी समस्याएं हल होती जा रही है। हल होने के जो है सब जो है अभी मन में जो है इच्छा सबकी जग गई है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी अपनी सत कमाई से हिम्मत करके ये घोषणा की है। सभी का मनोबल बढ़ा है, लोगों के पास जो है एक तो धन बल होता है, एक तन बल होता है, एक मन बल होता है। धन बल तो भगवान किसी किसी पर कृपा करते तो होता है, लेकिन मन बल और तन बल सबके पास है। हम जो यहाँ कितने भी जो है गरीब है, लेकिन हमारा मन और तन दो अगर तो इस बात के लिए समर्थ है, सेवा के लिए समुपस्थित होता है और इसमें तय दिल से काम करता है तो इस बात सब बिल्कुल सफल हो जाएगी। इन प्रश्नों के साथ वाणी को विराम, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।